100 साल बाद तुर्की में तबाही मची है, वो भी ऐसी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया का जर्रा जर्रा कांप उठा। मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया के कई देशों ने तुर्की को मदद का भरोसा दिया है। इस बीच भारत ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की ओर से तुर्की में भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए NDRF की एक टीम को रवाना किया गया है। इस टीम में विशेष रूप से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अधिकारी और जवान शामिल हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं, आज सवेरे तुर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया है जिसमें काफ़ी जाने गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाते 2 NDRF की टीम वहां पर भेजी जा रही है, जिसमें 101 हमारे रेस्क्यूअर्स NDRF के रेस्क्यूअर्स ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करेंगे। इसमें एक टीम हमारी 8 बटालियन NDRF की गाज़ियाबाद से और दूसरी 2 बटालियन कोलकाता से जा रही है, जो वहां पर जाकर के ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी। भारत की तरह ही अमेरिका ने भी तुर्की को मदद भेजने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि वो तुर्की को सभी जरूरी मदद करने के लिए तैयार है। तुर्की के सहयोगी रूस की तरफ से भी घोषणा की गई कि भूकंप के बाद सहायता के लिए 100 सदस्यीय बचाव दल और 2 IL-76 हवाई जहाज तुर्की की मदद के लिए तैयार है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन की ओर से भी ऐलान किया गया है कि वो खोज और बचाव दल को तुर्की भेजेंगे। नीदरलैंड और रोमानिया की टीमें तुर्की के लिए रवाना हो चुकी हैं। तुर्की को आपदा की इस मुश्किल घड़ी में अपने पुराने दुश्मन देशों का साथ भी मिल रहा है। सालों से सीमा विवाद के बावजूद ग्रीस ने तुर्की को मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा नाटो, इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी तुर्की के लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए मदद की पेशकश की है। तुर्की में आए भूकंप और उसके बाद का भयावह मंजर दिखाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो को देखकर वहां की भयावह हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तुर्की में अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने भूकंप से हुई तबाही को सदी की सबसे बड़ी आपदा बताया है। राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया गया है। तुर्की और सीरिया में सोमवार की सुबह 7.8 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया, जिसमें अब तक 3,800 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि मौत के आंकड़े अभी बढ़ भी सकते हैं।